हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंद्र कुशवाहा, आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जीएसआरटीसी रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में। गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है दोस्त। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्त मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया है और साथ में मैंने एक वेबसाइट भी ओपन कर रखा है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से कि डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसआरटीसी रिक्वायरमेंट 2019, ठीक है दोस्त। अपने को थोड़ा नीचे आना होता है। नीचे आने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पर पूरा डिटेल्स इस जॉब का, इस पोस्ट का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्त। जो नेम ऑफ पोस्ट है दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 2249 वैकेंसी है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो यहाँ पर एज लिमिट है दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 ईयर्स और मैक्सिमम 38 ईयर, ठीक है दोस्त। और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, उसके बाद ही दोस्त आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फी, अभी यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी का यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 12/7/2019 से स्टार्ट हो चुका है, जो इसका लास्ट डेट है यहाँ पर 11/8/2019 तक, यहाँ पर 11 तारीख को लास्ट डेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों और भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, जो यहाँ पर लिंक होता है यहाँ पर लिंक आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस का लिंक मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाता है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस पे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इस नोटिफिकेशंस के सामने जो क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है इस पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं दोस्त, यहाँ पे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में के अंदर ये नोटिफिकेशंस व्यू हो जाता है, ओपन हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, ठीक है दोस्त। उसके बाद आप इस नोटिफिकेशंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए इस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस सारे इस नोटिफिकेशंस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इस नोटिफिकेशंस के अंदर पूरा डिटेल्स है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बैक होते हैं, आपको दिखा देते हैं अप्लाई कैसे होगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने अपने को यहाँ पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो गुजरात का ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात का ऑफिशियल जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब अपने को यहाँ पर सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट पर अपने को क्लिक करना होता है और यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना होता है जीएसआरटीसी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब गुजरात के अंदर अभी जितने भी वैकेंसी है यहाँ पे सारे शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अपने को यहाँ पर जीएसआरटीसी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब अपने को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशंस है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाते हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको यहाँ पे अप्लाई का भी एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको अप्लाई पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते ही दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अपने को फिर से यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपने को क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको पहले से इस पे आईडी है तो दोस्त आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से दोस्त आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपको रीड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालना होता है। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने के बाद दोस्तों आप इसे सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आपका जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव कर देना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका पूरा अप्लाई हो जाता है। आप इस तरह से इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।